यहाँ हम कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कि गिवन वर्ड ऑफ फॉर द एक्सप्रेशन, और क्या लिखा है, हार्ड टू प्लीज, बड़ी मतलब जिसको प्लीज करने में हार्ड मतलब मुश्किल हो, मनाने में जिसको बड़ी मुश्किल हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहा जाता है? तो ऐसा व्यक्ति फास्टिडियस, ब्रिटल, इरिवोकेबल या परसीवियर, तो ऐसे व्यक्ति को हम फास्टिडियस कहते हैं। देखो फास्ट भी हम रखते हैं, है ना, हम फास्ट रखते हैं, और जब जिस दिन हम फास्ट रखते हैं उस दिन क्या कहते हैं, हम बड़े ही दृढ़ हो जाते हैं कि हम जो है जो खाना है हमें इवनिंग में खाना है ना, तो इस तरह से तो अपना भोजन पे कंट्रोल जो हम करते हैं, तो उस दिन हम फास्ट ले लेते हैं, फास्ट हम कर लेते हैं, अपने आप को फास्ट कर लेते हैं, है ना, तो हम कहते हैं कि भाई हमारा आज फास्ट है। तो ऐसा ही व्यक्ति जिसको मनाना बड़ा मुश्किल हो जाए, जिस जो ये बैठ के सोच के बैठा है कि मैं मनूंगा ही नहीं, तो फिर वो कैसा व्यक्ति हो जाएगा, उसके अंदर फास्टिडियस हो जाएगा। फास्टिडियस मतलब वेरी अटेंटिव टू एंड कंसर्न्ड अबाउट एक्यूरेसी एंड डिटेल, तो दुराध्य इसको हमने हिंदी में कहा है। तो ऐसा व्यक्ति तो बड़ा पॉजिटिव भी है कि जो वेरी अटेंटिव हो, किस लिए, कंसर्न के लिए, एक्यूरेसी और डिटेल के लिए। ब्रिटल का मतलब क्या होगा, ब्रिटल, ब्रिटल क्या है भाई, आजकल तो वो सर्दी का मौसम है, गजक भरी ब्रिटल होती है, फ्रेजाइल, नाजुक होती है, अचानक से ही टूट जाती है ना। और नेक्स्ट है इरिवोकेबल, इरिवोकेबल मतलब होता है फाइनल, मतलब स्थिर, डेट कैन नॉट बी चेंज, वो इरिवोकेबल है, है ना। इर लगाकर इरिवोकेबल, तो इर लगाकर हम उसे नेगेटिव बनाएंगे, जो चेंज होने के योग्य नहीं है वो इरिवोकेबल। नेक्स्ट है परसीवियर, परसीवियर मीन्स स्टडी, परसिस्टेंस इन कोर्स ऑफ एक्शन, दृढ़ रहना, है ना, मजबूत रहना, तो वो परसीवियर। तो यहाँ पे हार्ड टू प्लीज के लिए क्या आएगा, फास्टिडियस आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, इट इज़ वॉट, इट इज द एक्सप्रेशन, और क्या, गिफ्ट ऑफ द गैब मीन्स, गिफ्ट ऑफ द गैब, गिफ्ट ऑफ द गैब, तो यहाँ पे बोलने की कला से है, बोलने से है, पावर ऑफ लर्निंग, पावर ऑफ इलेक्वेंस, ब्लेसिंग या ट्रेजर, यहाँ पे हमारा आ जा रहा हो आंसर हो जाएगा पावर ऑफ इलेक्वेंस, है ना, पावर ऑफ इलोक्वेंस। तो गिफ्ट ऑफ गैब मीन्स एबिलिटी टू स्पीक, एबिलिटी टू स्पीक अवे विद वर्ड्स, है ना, अर्थात बात करने की जो कला को जो जानता है उसके लिए हम कहते हैं द पर्सन हैज़ गिफ्ट ऑफ गैब, है ना। तो कैसा पर्सन है, इलोक्वेंस पर्सन है, जो अपनी बातों से लोगों को आनंदित करे, आकर्षित कर लेता है, इलोक्वेंस व्यक्ति उसको हम कहते हैं। एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे बहुत सारे महात्मा, साधु, संत, सन्यासी और प्रवक्ता, और ये सारे इलोक्वेंस होते हैं, कहने की बड़ी चतुराई उनके अंदर होती है, इतने बहुत सारे स्पीकर हैं, मगर एक स्पीकर है, और आप चाहें तो आप उसे यूट्यूब पर फाइंड कर लें, ओम एक नाम है उनका, OME, ओम ए के ई, ओम एक उनका नाम नहीं है, मुझे लगता है कि उनकी जो संस्था है कोई, वो नाम है, ओम एक नाम है इनका, एक ऐसे करके ओम एक, है ना, बड़े ही यूँ समझो कि बहुत अच्छा वो स्पीच करते हैं, वो उनके आवाज़ लड़कियों जैसी लगती है, और है वो लड़का, और बड़े डांस के क्षेत्र में नृत्य वो करते हैं, है ना, और आप एक बार उनकी सुन के देखिए कि वो कैसे हैं, उनकी बातें फिलोसॉफिकल बातें हैं, बहुत अच्छा, गालिब को वो बहुत पसंद करते हैं, और गालिब की तारीफ करते हैं वो, साथ में तुलसी की तारीफ वो करते हैं, हिंदू मुस्लिम उनके अंदर छुपे हुए हैं दोनों मजहब, और फिर उनके इन्हीं दोनों मजहबों से जो फिलॉसफी, बौद्ध और जैन की भी बात वो करते हैं, जो फिलॉसफी निकलती है, और वो फिलॉसफी कितनी अच्छी तरह से उसे सजोते हैं और बोलते हैं, मुझे ये बहुत पसंद हैं, और बस इनकी बातों के लिए मुझे ये पसंद है। अगर आप जानते हैं, पहले से सुना है, तो कमेंट बॉक्स में आप उन्हें इसके बारे में ज़रूर बताएं मुझे। नेक्स्ट हम यहाँ पर करते हैं बात कि अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल कलर्ड फ्लैग्स इज कॉल्ड, तो कलेक्शन ऑफ स्मॉल फ्लैग्स क्या कहा जाता है, ट्रूप कहा जाता है, बंटिंग कहा जाता है, बैप्यूल, वॉल्यूप्चुअरी कहा जाता है, या नन ऑफ द एबव, तो इसका आंसर है कलेक्शन ऑफ स्मॉल फ्लैग्स इज कॉल्ड बंटिंग, इसको हम क्या कहते हैं, बंटिंग कहा जाता है, बंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द स्टडी ऑफ
द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द स्पीकर इज, द स्टडी करना इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द स्पीकर, कि जो स्पीकर है उसका क्या इंटेंशन है, उसकी जो स्टडी करना है वो क्या कहलाता है। तो सिमेंटिक्स, कॉम्प्रिहेंशन, इटिमोलॉजी और प्रैग्मेटिक्स। तो इसका जो आंसर है इट इज़ प्रैग्मेटिक, है ना। किसी स्टडी करना इंटेंडेड किसी मतलब की बातों का, किसी स्पीकर की बातों का जो क्या उसका इंटेंशन है, उसका मीनिंग, द स्टडी ऑफ द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द स्पीकर इज़ प्रैग्मेटिक। इसको हम प्रैग्मेटिक कहते हैं। इट मींस डीलिंग विद प्रॉब्लम्स, कि किस तरह से जो प्रॉब्लम्स है समस्याओं से उसको डील किया जाता है प्रैक्टिकल वे में, रादर देन फॉलोइंग आइडियाज़ और प्रिंसिपल। उसकी बात नहीं कही है, प्रैक्टिकल वे में किस तरह से डील किया जाता है ये वाली बात है। नेक्स्ट है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड, है ना। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, तो उनको क्या कहते हैं, मेंटर है, कंप्लायर है, इंस्ट्रक्टर है या फिर प्रोग्राम है। तो इसके लिए वन वर्ड हो जाएगा प्रोग्राम, है ना। तो ये है क्या, प्रोग्राम। तो अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्टर टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड प्रोग्राम। नेक्स्ट है, हमें वन वर्ड चूज करना है, वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री, जो किसी दूसरे कंट्री में सेटल हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, माइग्रेंट है या इमिग्रेंट है, नेटिव है या पैरासाइट, उसे हम कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इमिग्रेंट, है ना। तो इमिग्रेंट हम इसे कहते हैं। तो लिखा है वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री इज कॉल्ड इमिग्रेंट। तो माइग्रेंट तो ये वर्ड है ओरिजिनली, जिसका मीन्स होता है पर्सन हु मूव्स वन प्लेस टू लुकिंग फॉर वर्क, है ना। तो वो माइग्रेट, अब ये जो एक माइग्रेट तो ये है कि भाई उसे देखने के लिए, वर्क के लिए किसी दूसरी में भी जाता है और अपनी में भी आता है। तो इमिग्रेंट तो ये व्यक्ति है कि कोई दूसरा व्यक्ति अपनी कंट्री में आया है, है ना। तो इन वाला सेंस इसमें है, और एक इमिग्रेंट में ई एम आता है, तो इसमें एक्स वाला सेंस होता है ना। तो एक बाहर जाना वर्क के लिए, एक कहीं दूसरे देश का हमारे देश में आ रहा है, तो वो इमिग्रेंट, इन और एक्स वाला सेंस यहाँ पर ध्यान रखें। तो ये हमारा आपका आंसर हमेशा सही रहेगा। नेक्स्ट है, वन हु लुक्स एट एवरीथिंग फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इज नोन एज। तो कोई व्यक्ति है पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ को देखता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो ईगोसेंट्रिक, क्यूजोटिक, सेडिस्टिक और कॉम्प्लेसेंट। तो वो है ईगोसेंट्रिक। तो पर्सन हु लुक्स एवरीथिंग फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इज नोन एज ईगोसेंट्रिक। नेक्स्ट है, द एक्ट ऑफ बरिंग अ डेड पर्सन समटाइम्स बिकम अ मंडेन फॉर एन अंडरटेक। तो क्या कहेंगे, इंटरमेंट या फिर इंटरमिटेंट। तो इसका आंसर है इंटरमेंट, है ना। एक्ट ऑफ बरिंग अ डेड पर्सन, तो वो क्रियाकलाप जिसमें किसी डेड पर्सन को बरी किया जा रहा है, तो उसको क्या, इंटरमेंट कहा जाएगा। नेक्स्ट है, द साइंस विच स्टडी सोसाइटीज कल्चर एंड देयर डेवलपमेंट। तो किसी ह्यूमन सोसाइटी को, उसकी कल्चर को, उसके डेवलपमेंट को जो स्टडी करे, ऐसी साइंस को हम क्या कहेंगे, एनाटॉमी, आर्कियोलॉजी या फिर एक्यूपंक्चर या फिर एंथ्रोपोलॉजी। आर्कियोलॉजी तो पुरातत्व विभाग है, पुरानी चीज़ों का अध्ययन कहला जाता है, है ना। और उस आर्कियोलॉजी में पुरानी चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। एंथ्रोपोलॉजी इसका आंसर होगा करेक्ट, एंथ्रोपोलॉजी। तो द साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन सोसाइटीज़ कल्चर देयर डेवलपमेंट इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। तो क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन सोसाइटीज़ की बात है ना, जैसे ह्यूमन के लिए एंथ्रो क्या है, एंथ्रो ह्यूमन के लिए रूट वर्ड भी है, है ना। एंथ्रोफाइल भी एक वर्ड है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पर्सन, एनिमल और ऑब्जेक्ट कंसिडर्ड लाइकली टू ब्रिंग गुड फॉर्चून, तो क्या कहलाएगा, ओरेकल, मास्कॉट, ओपोनेंट या फिर नेल।
तो इसका आंसर है मास्कॉट। अब ये मास्कॉट क्या होता है, तो मास्कॉट इज नोन एज पर्सन एनिमल और ऑब्जेक्ट कंसिडर लाइकली टू ब्रिंग क्रूड फॉर्चून, अच्छा भाग्य लेकर जो आए। द वर्ड मास्कॉट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द फ्रेंच टर्म मास्कॉटे विच मीन्स लक्की चार्म, विच मीन्स लक्की चार्म। आज के लिए इतना ही, होप करती हूँ अच्छा लगा। कैसा लगा आपको ज़रूर अपने राय भेजें कमेंट में, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।